उसके लिए, तो तोरिया के बीज या सरसों के बीज, यानी ये भी एक तरीके का एडिबल ऑयल होता है, खाने वाला पेड़ होता है, तो उसके ये बीज है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ये एक नए किस्म का प्रयोग है या एक वैकल्पिक प्रयोग मान लीजिए जो हमने किया है कि बारिश ना होने की वजह से जो हमारे खेत खाली रह गए हैं, जहाँ पे आप रोपाई नहीं कर पाए, नुकसान हो गया किसान भाइयों का, तो ये फसल आपकी आप रबी कर जब करेंगे उससे पहले पहले 2 महीने भी तैयार हो जाएगी। तो ये जो समय है इसका आप उपयोग करिए और तोरिया के बीज आप लेके जाइए, सरसों के बीज आप लेके जाइए, कृषि विभाग के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, और इसको आप अपने खेतों में ले जाकर लगाइए, इसका उपयोग करिए, ये फसल जल्दी जल्दी तैयार होगी और आपको रिटर्न भी मिलेंगे। चौथी जरूरी बात दोस्तों ये है किसान एग्जीबिशन या प्रदर्शनी, आप सामने देख रहे हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं जो कि मंत्री हैं, और यार भीड़ भी काफ़ी ज़बरदस्त था, मैंने सोचा नहीं था कि इतना भीड़, पहली बार मैं विजिट कर रहा हूँ यार अपने क्षेत्र के ब्लॉक पे, ये ब्लॉक है सीखड़ ब्लॉक, पोस्ट भी सीखड़ है और ब्लॉक भी सीखड़ है, जिला है मिर्जापुर, राज्य है उत्तर प्रदेश। आप सभी जागरूक किसान भाई हैं, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आप सब जानते हैं कि अभी देश में G20 का कितना बड़ा आयोजन हुआ दिल्ली में, और दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब हमारे देश में आए, और भारत ने जिन विषयों पर चर्चा की उस पर एक दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी हुआ, जिसमें सारे राष्ट्राध्यक्ष, सारे देशों के प्रधानमंत्री जो आए थे वो सहमत हुए, तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत के रूप में के लिए बहुत ही दुखद रहेगा। और हम इसी कड़ी में हमारा अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करेंगे कि स्मृति चिन्ह और अपना आशीर्वाद देकर हमारे लोकगीत गायक श्री बद्री आदर जी को आशीर्वाद देने का कष्ट करें। हम पुनः अनुरोध करेंगे अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से कि स्मृति चिन्ह और अपना आशीर्वाद देकर श्री बद्री यादव जी को। मंत्री अनुप्रिया पटेल जी मंच से जाते हुए और न्यू डीएम हमारे जिले की प्रियंका रंजन जी मंत्री जी को मंच से ले जाते हुए, न्यू डीएम है, पहले डीएम थी हमारे मिर्जापुर की दिव्या मित्तल जी, उनके जाने के बाद प्रियंका रंजन जी हमारे जिले की न्यू डीएम है। सामने बैनर है, देखिए तोरिया बीज मिनी कीट वितरण कार्यक्रम, विकास खंड मुख्यालय परिसर सिकड़ मिर्जापुर। इनका ये एग्जीबिशन लगा है, वीडियो को रोक के अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा हो रहा था, इसीलिए जब ज्यादा शोर होता है तो बोलना ठीक नहीं लगता है। खैर किसानों के लिए व्यवस्था सब ठीक ठाक ही था। अपने किरियात यानी पूर्वांचल का ये वीडियो है, और ये है होंडा का सेंटर रोटरी टिलर जिसपे 2 साल की वारंटी है, और किलोस्कर का सेंटर रोटरी टिलर है, ये भी प्रदर्शनी में लगा था। और देखिए ये सब बैनर लगा हुआ है, जो जो अपना प्रदर्शनी यहाँ पे लगाए हैं, सब अपना अपना स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं, सब ठीक ठाक ही है। मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, मुझे जो समझ में आया जो सबसे अच्छा लगा किसानों के लिए भी, वैसे सब किसानों के लिए सब ठीक ही है, लेकिन ये किसानों के लिए थोड़ी लेटेस्ट टेक्निक है, बीज बोने वाली मशीन सीड ड्रिल, जिसका नाम है शक्तिमान वैक्यूम प्रेसिजन प्लांटर।
ये देखिए ये खाद है, ये है दोस्तों शक्तिमान का वैक्यूम, शक्तिमान वैक्यूम प्रेसिजन प्लांटर। शक्तिमान कंपनी का है, चार कंटेनर है, 35 केजी एक में बीज आता है इसमें, ऊपर जो है लगभग 100 से 150 केजी इसमें पे वो आ जाता है फर्टिलाइजर। और ये स्वराज का 963 ट्रैक्टर है, फोर व्हील, क्योंकि इसमें वजन काफ़ी हो जाता है बीज को लेके और फर्टिलाइजर को लेके, इसको लगभग 50 के ऊपर का ही ट्रैक्टर चाहिए। और लेटेस्ट टेक्निक है, और इसका वैक्यूम इसलिए नाम है क्योंकि ये सॉफ्ट से चलता है और वैक्यूम द्वारा बीज को खींचता है, यानी हवा से खींच के सही दूरी हर मात्रा आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। इसे क्या क्या आप बो सकते हैं, काटन, मक्का, सोयाबीन, सनफ्लावर और सरसों, चना की भी बुआई कर सकते हैं। और इधर ये है ग्रास कटर, ये भी है रोटावेटर ही, ग्रास कटर है। तो यही सब कुछ दोस्तों प्रदर्शनी में लगा हुआ था। अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और ये आपके किरियात यानी पूर्वांचल का वीडियो है, आपका जो है शिखर ब्लॉक है।